हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवशंकर जीके जीएस। शिवशंकर जीके जीएस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है आपका बायोलॉजी का, और इसमें पढ़ेंगे कि हमारे शरीर का महत्वपूर्ण तथ्य, कि आपके शरीर में कौन कौन से महत्वपूर्ण अंग है, कौन कौन से महत्वपूर्ण जानकारी है जो आप अभी तक नहीं जाने। और इसमें से हमेशा पैरामेडिकल में पूछता रहता है, पूछा है और पूछेगा, और सबको कॉपी पर लिखते जाइएगा, एक एक क्वेश्चन लिखिएगा कॉपी में, और बृहस्पतिवार को आप लोग का बायोलॉजी का टेस्ट होगा, और उस बायोलॉजी में ये सब से भी क्वेश्चन रहेगी आपको, और जितना हम बताएंगे ना उस सब कॉपी पर लिखना है, याद करना है, और वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और एक एक क्वेश्चन लिखते जाइएगा। तो देखिए, यहाँ पे पहला है अस्थियो। अस्थियो मतलब होता है हड्डी। अस्थियों की संख्या कितनी होती है हमारे शरीर में, यानी आपके और हमारे शरीर सबका तो एक ही शरीर है ना। तो उस शरीर में अब कहिएगा सर, सबका एक ही शरीर कैसे है, जानवर का तो अलग होता है। जानवर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इंसान की बात कर रहा हूं, कि आपका और हमारा शरीर दोनों तो इंसान ही है ना। तो इंसान के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या, अस्थियों की संख्या कितनी होती है, तो वो होता है 206 होती है। मगर वयस्क शरीर में, हम लोगों के शरीर में, आपके शरीर में, लेकिन 10 वर्ष से कम यानी 5 साल से भी कम उम्र के बच्चे जो होते हैं उनके शरीर में लगभग 208 हड्डियां होती है, जो वयस्क होते होते 2 हड्डियां गायब हो जाती है। उसके बाद है कि सबसे छोटी अस्थि, अस्थि का मतलब तो समझ रहे हैं ना कि हड्डी, तो सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो भाई आपका स्टेपीज। क्या स्टेपीज? और यह कान की हड्डी बोला जाता है इसको, यह कान के बीचों बीच स्थित होता है, मध्य भाग में। उसके बाद है कि सबसे लंबी हड्डी, यानी सबसे लंबी अस्थियां होती है हमारे शरीर की, सबसे लंबी अस्थियां, सबसे लंबी हड्डी कौन है, तो वह फीमर। कौन सी हड्डी? फीमर, जो जिसको जिसको बोलते हैं जांग की हड्डी, जो जांग में पाया जाता है, वो जांग की हड्डी जो होती है ना ठेवना से लेकर कमर तक, वही होता है फीमर, जांग की हड्डी। उसके बाद है कि पेशियों की कुल संख्या कितनी है, हमारे शरीर में, इंसानों के शरीर में, मनुष्य के शरीर में पेशियों की कुल संख्या कितनी होती है। पेशी कहने का मतलब होता है कि त्वचा, मांस, यानी त्वचा की संख्या कितनी है। आपका ये सार की त्वचा है तो एक गिनेंगे कैसे, एक तो हम पढ़े हैं कि सूक्ष्म छिद्र, महीन महीन छिद्र होते हैं, तो उसको तो मान लेते हैं कि गिन लेंगे कैसे किसी भी तरह, लेकिन मांसपेशियों को कैसे गिनेंगे, सब तो सटल सटल रहता है। तो जी दोस्त, जिस तरह से आपके शरीर के जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं ना त्वचा में, इसको गिना जा सकता है, बिल्कुल आपके शरीर की त्वचा को भी गिना जा सकता है। इसलिए बोला गया कि त्वचा मतलब होता है पेशी। तो आपके शरीर में, इंसान के शरीर में, मानव के शरीर में कुल कितने पेशियां होती है, तो होता है टोटल 639 पेशी। उसके बाद है कि बड़ी आंत की लंबाई होती है, बड़ी आंत यानी आहार नल पढ़े ना, आहार नल में छोटी आंत, बड़ी आंत, तो बड़ी आंत की जो लंबाई होती है वो कितना होता है, तो वो होता है आपका 1.5 मीटर लंबा होता है, तो 1.5 मीटर लंबा होता है, याद रखिएगा। उसके बाद है कि छोटी आंत की लंबाई यानी स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई होती है, छोटी आंत की लंबाई कितना होता है, तो 6.25 मीटर यानी 6.25 मीटर यानी 6.25 मीटर लंबा होता है छोटी आंत की लंबाई। तो कहिएगा सर कि हमने 10वां में पढ़ा था और इंटर में पढ़ा था, जो पीएम भरे वो पढ़े थे इंटर में, और जो पीएमडी भरे वो 10वां में पढ़े थे आहार नाल, तो आहार नाल में पढ़े हैं कि सर आहार नाल की लंबाई जो होती है 8 से 10 मीटर होता है। तो यहाँ पे आहार नाल की बात नहीं कर रहे, आहार नाल मुंह से लेकर के गुदा तक होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं छोटी आंत के बारे में और बड़ी आंत के बारे में। तो बड़ी आंत की जो लंबाई होती है सिर्फ वो होता है 15 मीटर, सॉरी 15 नहीं 1.5 मीटर, बड़ी आंत की लंबाई कितना होता है 1.5 मीटर, याद रखिएगा। उसके बाद छोटी आंत की लंबाई जो होती है 6.25 यानी 6.25 मीटर होता है। उसके बाद है सबसे लंबी पेशी, सबसे लंबी यानी आपके त्वचा की सबसे, आपके शरीर की सबसे लंबी त्वचा यानी सबसे लंबी पेशी कौन सी है, तो सार्टोरियस। क्या? सार्टोरियस, सब लिखते जाइएगा। उसके बाद है यकृत, लिवर का भार कितना होता है पुरुष में, यकृत लिवर का भार
पुरुष में कितना होता है, तो पुरुष में होता है 1.4 से 1.8 केजी, यानी कहिए ता 1.5 किलो में 100 ग्राम कम से लेकर के 2 किलो में 200 ग्राम कम तक, समझ रहे, यानी 1.5 किलो में 100 ग्राम कम है ना, 1.5 रहा था 1.5 किलो, लेकिन 1.4 है और यहाँ 1.8 है, यानी 1.4 1.5 किलो से थोड़ा सा कम 100 ग्राम वहां से लेकर के 1.4 से लेकर के 1.8 केजी तक है। उसके बाद है यकृत, लीवर का भार महिला में कितना होता है, तो महिला में होता है 1.2 से लेकर के, यानी आपका लगभग हो गया 1200 ग्राम से लेकर के 1400 ग्राम केजी, यानी कुल मिला के 1.2 से 1.4 केजी, यानी 1200 से 1400 ग्राम। उसके बाद है कि सबसे बड़ी ग्रंथि, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है, तो वह है आपका यकृत, क्या है, यकृत लीवर। उसके बाद है कि सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता होती है, हमारे शरीर में कौन सा ऐसा अंग है जिसमें पुनरुद्भवन की क्षमता सबसे अधिक होता है, पुनरुद्भवन इसका मतलब होता है कि विकास, बड़ा विकास फैलता, या कहिए कि उसमें जो विकास होते रहता है फैलते रहता है, तो उसमें सबसे ज्यादा किसमें होता है, तो आपका होता है लीवर में, यकृत में होता है। अब लीवर देखिए, लीवर ही सबसे मेन होता है आपके शरीर का, अगर लीवर खराब हो जाए तो आपकी पाचन क्रिया भी खराब हो जाएगी, और पाचन क्रिया खराब होगी तब तरह तरह के बीमारी होगा, और लीवर हमेशा विकास करता है, पुनरुद्भवन का मतलब ही होता है विकास करना। और सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता होता है तो मस्तिष्क में। अब कहिएगा सर मस्तिष्क को तो लोग कहते हैं कि ज्यादा खाओ पियो ज्यादा एक्सरसाइज करो तो ब्रेन का विकास होता है, नहीं दोस्त, ब्रेन का विकास नहीं होता है, बल्कि आपके सोचने की जो क्षमता होती है, आपके याद करने की जो क्षमता होती है, आपको इसके अंदर जितना ज्ञान भरने की जो क्षमता होता है उसकी विकास होती है, वरना ब्रेन का विकास नहीं होता है कि ब्रेन इतना बड़ा है 100 ग्राम का तो आपका ब्रेन हो जाएगा 500 ग्राम का, ऐसा नहीं। हाँ 100 ग्राम का ब्रेन है अगर आपके अंदर, जितना केबी का ब्रेन हो, 100 केबी 2.5 केबी जितना केबी का ब्रेन आपके अंदर है, वो सिर्फ आपकी सोचने की क्षमता, आपके अंदर की जो क्षमता सोचने की और याद करने की उसको विकास करता है, तो सब आपका ब्रेन विकास करता है ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन बहुत कम विकास करता है, ठीक है, इतना याद रखिएगा कि आपका शरीर में सबसे ज्यादा विकास करता है यकृत, इसलिए इसका वजन देख रहा है कितना होता है पुरुषों में, महिलाओं में बड़ा होता है बड़ा। अब उसके आगे है, उसके बाद है, कह रहा है कि शरीर का सबसे कठोर भाग, हमारा जो शरीर है, आपका जो शरीर है, इस शरीर में कौन सा ऐसा अंग है जो सबसे ज्यादा कठोर होता है, तो वो होता है आपका दांत। क्या होता है, दांत का इनामेल, ये दांत का इनामेल समझते हैं, दांत जो देखे ना वो सबसे कठोर होता है, उसका इनामेल जो पार्ट होता है ना बहुत कठोर होता है। आप कहेंगे सर दांत का इनामेल कठोर भाग कौन सा होता है, अरे दांत जो रहता है ना इसी को बोला गया इनामेल, और इस यह जो होता इतना कठोर होता है ना, बहुत ज्यादा कठोर होता है, मतलब कि शरीर में आपका जो भी अंग है उससे ज्यादा कठोर होता है। उसके बाद है कि सबसे बड़ी लार ग्रंथि, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा लार की ग्रंथि जिससे लार निकलता है, वो लार ग्रंथि कौन सा है, तो वो है आपका पैरोटिड ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि, पैरोटिड ग्रंथि, सब लिखते जाइएगा, एक एक क्वेश्चन लिखते जाइएगा, आज आपका 2 क्लास इस पार्ट का लेंगे, मनुष्य में सबसे बड़ा क्या है और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य जो है, इसका 2 क्लास होगा आप लोग का, आज क्लास हुआ, एक और क्लास कल होगा, उसके बाद अगला टॉपिक होगा बायोलॉजी का ही, और बृहस्पतिवार को टेस्ट होगा, और सब एक 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 क्वेश्चन लिखिएगा, एक को क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। उसके बाद है कि शरीर का समान तापमान, शरीर का समान ताप की तापमान जो होता है ना, जो थर्मामीटर लगा के चेक करते हैं फारेनहाइट में बुखार, तो जो नॉर्मल तापमान होना चाहिए, नॉर्मल बुखार कितना होता है, तो 98 डिग्री फारेनहाइट, यानी 98.4 डिग्री फारेनहाइट, तो अगर 98 डिग्री भी फारेनहाइट रहे ना तो कोई बात नहीं, 97 भी रहे तो कोई बात नहीं, नॉर्मल व्यक्ति का रहता है, अगर 96 रहे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि तापमान कम होने से चक्कर वगैरह का थोड़ा ये घुमारी टाइप का लगे तो रहेगा कि वोमिटिंग करे 96 डिग्री पर, उससे भी कम अगर 95 हो जाए ना तो उल्टी करने लगेगा,
तो वो ज्यादा कम भी नहीं ठीक लगता है और ज्यादा हाई भी आपके लिए हानि ही है, ज्यादा कम भी हानि है, ज्यादा हाई भी हानि है। तो इसलिए नॉर्मल आपका 98-97 होना बहुत जरूरी है। उसके बाद है शरीर में रुधिर की मात्रा। शरीर में रुधिर, रुधिर मतलब समझ रहे हैं, रुधिर का मतलब ब्लड, आपके शरीर में कितना ब्लड है। तो हमारे शरीर में कितना है, 5.5 लीटर यानी 5.5 लीटर मनुष्य के शरीर में ब्लड होता है। उसके बाद है कि हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा, आपके शरीर में हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन है ना उसकी मात्रा कितना होता है। तो पुरुष में होता है हीमोग्लोबिन की मात्रा 13 से 16 ग्राम और महिला में होता है 11.5 से लेकर 14 ग्राम, ठीक है, ढाई लीटर, 14 ग्राम ढाई लीटर प्रति ढाई लीटर। उसके बाद है कि WBC की संख्या, WBC की संख्या कितना होता है। तो WBC व्हाइट ब्लड सेल कितना होता है, तो होता है 5000 से लेकर 10000, कितना 5000 से लेकर 10000। उसके बाद है कि सबसे छोटी WBC, WBC की संख्या 5000 से 10000 है, उसमें भी पूछ रहा है कि सबसे छोटा WBC कौन है, तो वो है लिम्फोसाइट और सबसे बड़ा WBC है मोनोसाइट, सबसे बड़ा WBC मोनोसाइट, सब लिखिएगा क्वेश्चन में। उसके बाद WBC की आजीवन काल, आपके शरीर के ब्लड में जो भी WBC होता है, WBC का होता है व्हाइट ब्लड सेल, तो जो भी WBC का जीवन काल होता है जीने का, वो कितना दिन होता है, 2 से 5 दिन तक जीवित रहता है आपके ब्लड में जो WBC मौजूद होता है, शरीर में मौजूद होता है WBC, और 2 से 5 दिन के बाद डेथ होने के बाद फिर नया WBC का निर्माण होता है। और RBC का कितना जीवन काल होता है, रेड ब्लड सेल कितना RBC का जीवन काल होता है, तो 120 दिन, RBC का 120 दिन, WBC का 2 से 5 दिन, याद रखिएगा, हमेशा पूछते रहता है पैरामेडिकल में। उसके बाद एक रुधिर का थक्का बनने का समय, रुधिर का या रुधिर मतलब ब्लड का थक्का बनने का समय, यानी जब आपका कोई भी अंग शरीर का कट जाता है ना, तो शरीर से बाहर जब आपका ब्लड आ जाता है, तो ब्लड जब हवा में प्रवेश करता है, मान लीजिए यहाँ पर कट गया तो ऊपर ब्लड आ जाएगा, ब्लड निकलेगा तो हवा से संपर्क में आ गया, तब कितना समय वो जम जाएगा, वही कह रहा है कि रुधिर का थक्का बनने का समय कितना है, तो आपका है 3 से 6 मिनट में वो एकदम जम जाएगा। तो स्टूडेंट ये था आपका बायोलॉजी का एक टॉपिक, और इसके बाद भी अगला ही इसी का टॉपिक होगा अगले क्लास में भी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब क्वेश्चन कॉपी पे लिखने का प्रयास कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे चैनल पे बने रहिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा।